And at least two people have been killed and at least 16 others have been injured in a bomb explosion inside the civil court premises in Bihar's Ara town. Preliminary reports indicate that a woman whose identity is still not known was carrying the bombs that exploded in court. The Bhojpur police have said there's a possibility the woman had bombs strapped onto her. Two prisoners have escaped from the court during the chaos that followed the blast. In fact, police sources say that the blast could have been linked to the escape of these prisoners. अभी प्राइमा फेसिस जो डेड बॉडी एक लेडी का मिला है उसको देखने से लग रहा है कि वो सेल्फ प्लांटेड बम वगैरह लाई हुई थी. उसके पास मोबाइल फ़ोन भी लगे हुए हैं. अभी उसको हम लोग जो एक्सपर्ट आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि उसके साथ क्या क्या है. कितनी डेथ है सर और कितने घायल हैं? एक सिपाही हमारा है, उसके बारे में सूचना मिली है कि वो उनकी डेथ हो गई है. और एक जो महिला जो खुद को प्लांट करके रखी थी उसकी डेथ हुई है. बस यही दो है, बाकी एक की हालत चिंताजनक है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको पीएमसीएच भेजा जा रहा है. सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं सर? सुरक्षा के लिए हम लोग अभी इसको पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं, एक एक करके खाली करा रहे हैं. इतने, सब इतने लोग खाली हो जाने के बाद पूरे एरिया को सैनिटाइज करेंगे. कुछ कैदी भी भाग गए हैं सर, ऐसा पता चला? हाँ, दो कैदी के भागने के बारे में सूचना मिल रही है.